क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं आप? आज तो हमारी स्वागत है ना। देखो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ये शादी जबरदस्ती मेरे माँ बाप ने कर दिया है और मुझे शादी मंजूर नहीं है। पर मैं किसी और लड़की से प्यार करता था, मैंने उसको कसम दी थी कि मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा, लेकिन क्या बोलूं, माँ बाप को लड़की इस वजह नहीं पसंद थी क्योंकि वो छोटी जात की थी। अरे वो छोटी जात की थी, उसमें उसकी क्या गलती थी यार? स्कूल टाइम से मैं उससे प्यार करता रहा, लेकिन एक झटके में सब कुछ बर्बाद हो गया। देखिए, जो आप पे बीत रही है ना, वही मुझ पे भी बीत रही है। मैंने भी किसी से प्यार किया था। अरे नु, तुम आज तो तुम्हारी शादी थी ना। मैं शादी का मंडप छोड़ के आई हूँ। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। देखो, मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी, मुझे तुमसे शादी नहीं करना है। शादी का मंडप छोड़ के उसके लिए गई थी, लेकिन उसने मुझे धक्के मार के जलील करके घर से निकाल दिया। निकलो यहाँ से, निकलो। तुम मेरी बात मानो, सुनो मेरी बात। बोला ना, निकलो। तब मुझे प्यार की असलियत पता चली। माँ बाप ना कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते। आपके माँ बाप ने आपके लिए सोचा, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए। माफ कर दो मुझे, तुम्हारे ऊपर इतना कुछ बीत रहा है और तुमने उफ तक भी नहीं किया। लड़कियां 1000 प्रॉब्लम सहती हैं, लेकिन उफ तक नहीं करते। और हम लड़कों को ना अगर एक चींटी भी काट लेना तो चीखने लगते हैं। तुम्हारा भी दिल टूटा, तुम उस लड़की के लिए मंडप से भाग के गई, लेकिन उसने तुम्हारी कीमत नहीं समझी। तो मैं अभागा अपने माँ बाप को कोसते रहा कि किस लड़की से शादी करवा रहे हो, लेकिन तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है। देखो, हो सके तो मुझे माफ करना। मुझे भी माफ कर दो, क्योंकि गलती तो मैंने भी की है ना, शादी के मंडप से भाग के।